नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। देखिए, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार विधानसभा के हो रहे दो सीटों पर उपचुनाव को लेकर जमीनी स्तर को जानने भापने लगातार विधानसभा का क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इसी दौरान तेजस्वी यादव तारापुर स्थित कई जगहों पर घूम भी रहे थे। अब उनका अगला कार्यक्रम जो है वो कुशेश्वर स्थान है। लेकिन तेजस्वी यादव की एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल ये तस्वीर उनके एक मछली पकड़ने को लेकर है। दरअसल हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव उपचुनाव जो दो सीटों पर हो रहे हैं उन दौरान एक विधानसभा क्षेत्र में वो पहुंचे थे, जहां एक तालाब के पास अपने कार्यकर्ताओं और छोटे छोटे बच्चों के साथ तेजस्वी यादव जो हैं वो मछली पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम आपको ये तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं कि देखिए तेजस्वी यादव किस तरह से मछली को, छोटी मछली को हाथ में लिए हुए हैं। इसी छोटी मछली को हाथ में लेने के बाद बिहार की सियासी जो है वो पारा गर्म हो गई और तमाम उनके विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो उन पर सवाल करने लगी। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के तमाम प्रवक्ताओं की तरफ से तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधा। अब इसमें एक नया नाम जुड़ गया है। दरअसल हम आपको बता दें, जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद निसार ने तेजस्वी यादव के इस तस्वीर और इस काम पर जोरदार निशाना साधा है। अरविंद निषाद ने कहा है कि आखिर कौन इंसान मल्लाह के बारे में सोच रहा है? ये वही लोग हैं जब इनके पिता यानी कि लालू यादव की सरकार थी तब मल्लाह को मंत्री बनाकर बेदखल कर दिया गया था। यानी कि लालू प्रसाद यादव के समय को याद करते हुए जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधा है। अब हम आपको सुनवा देते हैं कि जेडीयू प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव के बारे में। राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद जी मत्स्यजीवी समाज को कम आत्मविश्वास वाला समझ करके ही स्वर्गीय विद्यासागर निषाद जी को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का मंत्री बनाया और मंत्री बना करके उनको जेल भिजवाने का भी इंतजाम कर दिया। जिस प्रकार से तूफानी राम जी को हेलीकॉप्टर में घुमा करके उनको आत्महत्या करने पर उनको विवश कर दिया गया, ठीक उसी प्रकार इनको आत्महत्या न करने के लिए बल्कि जेल जाने पर विवश कर दिया। ऐसे राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद जी का मत्स्यजीवियों के साथ किया गया सलूक इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। मत्स्यजीवी समाज के लोग हमेशा इनके धुरतई का शिकार हुए हैं, चाहे वो कोई भी मत्स्यजीवी समाज का आदमी क्यों न हो, इनके धुरतई के आगे सभी लोग फेल हैं। तो आपने सुना कि जेडीयू ने किस तरह से तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधा है। तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। नमस्कार।